भगवान महावीर के जन्म की खुशी जब तीनों लोक में मनाई जा रही थी, वहीं त्रिशला माता भी बालक का मनोहर रूप देखकर खुशी से झूम रही थी। स्वर्ग लोक से सौधर्म इंद्र, शुचि इंद्रानी और सभी देवी देवता खुशियां मनाते हुए भगवान का जन्म कल्याणक मनाने आए। माता त्रिशला जब बाल तीर्थंकर के पास सो रही थी, तब शुचि इंद्रानी माता के पास माया से एक बालक को छोड़कर बाल तीर्थंकर को बाहर लाकर इंद्र को दे देती हैं। सौधर्म इंद्र बालक का अति सुंदर रूप निहारने के लिए अपनी 1000 आंख बना लेते हैं और बाल तीर्थंकर की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। इंद्र इंद्रानी बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर सवार कर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। सभी देवी देवता खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हुए साथ चलते हैं। सुदर्शन मेरु पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला पर भगवान का जल अभिषेक किया जाता है। यह पर्वत जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई 99,040 योजन प्रमाण है। बालक को पांडुक शिला पर देखकर इंद्र के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये इतना छोटा सा बालक इतनी भारी जलधारा को कैसे सहन कर पाएगा। बालक को अवधि ज्ञान से इस शंका का आभास हो जाता है और वह अपने अंगूठे से सुमेरु पर्वत को थोड़ा सा दबा देते हैं और ऐसा करने से पूरा सुमेरु पर्वत कंपायमान हो जाता है। ये देखकर इंद्र को बालक की वीरता का आभास होता है और वह उनका नाम वीर रख देते हैं। फिर सभी देवलोक भगवान का क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं। अभिषेक के वक्त इंद्र को बालक के दाहिने पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह दिखाई देता है और वह भगवान महावीर का चिन्ह सिंह रख देते हैं। कुछ इसी तरह भगवान के 5 नाम रखे गए, वीर, अतिवीर, महावीर, वर्धमान, सन्मति। बोलो महावीर भगवान की जय। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।